तो गाइस अभी आप लोग साइड में यहाँ पर स्क्रीनशॉट देख सकते हो, काफी सारे लोग मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करते हैं कि गाइस उनके व्यूज नहीं आते। आज की इस वीडियो में गाइस मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि कितनी वीडियोस अपलोड करने के बाद आपके व्यूज आने स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि कितनी वीडियो अपलोड करने के बाद आपकी वीडियो वायरल होना शुरू हो जाती है, इसका जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। क्योंकि गाइस मैं वो क्रिएटर हूँ, मुझे भी पता था कितनी वीडियोस अपलोड, मुझे पहले नहीं पता था ठीक है कितनी वीडियो अपलोड करने के बाद वायरल होती है, लेकिन जब मैंने ट्रिक लगाई मेरी वायरल होना शुरू हो गई। तो मुझे एक्चुअल में पता है आखिरकार आपको कितनी वीडियो को अपलोड करना है जिसके बाद आपके व्यूज आने स्टार्ट जाएंगे और आपके चैनल पर वीडियो वायरल होने लग जाएगी और व्यूअरशिप आने लग जाएगी। इस वीडियो में डिटेल में हम बताने वाले हैं। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा मजेदार, बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव नहीं होने वाली है। मैंने आप लोगों को इंट्रो में सबको समझा दिया, यही आपको वीडियो में मिलने वाला है। वीडियो काफी मजेदार है, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है लाइक कर दो और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लो। चले गए आज के इस मजेदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखो, आपको इस तरीके को समझना होगा, आपको इस फैक्ट को समझना होगा आखिरकार आपकी वीडियो कब वायरल होना स्टार्ट होती है और आपके व्यूज आते क्यों नहीं है और आपके व्यूज कितनी वीडियो अपलोड करने के बाद आने शुरू हो जाएंगे। गाइस देखो, जब भी एक नया यूट्यूबर न्यू चैनल को बनाता है तो वो क्या थिंक करता है, क्या सोचता है अपने माइंड में कि जल्द से जल्द मेरे व्यूज आने स्टार्ट हो जाए ठीक है। और ऐसे मेरे पास कई सारे मैसेजेस आए हैं, इंस्टाग्राम पर मेल्स आए हैं कि भाई हमारे पहले व्यूज आते थे अब नहीं आ रहे। तो इसका भी सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कितनी वीडियो अपलोड करने के बाद व्यूज आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो गाइस मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, आज के डेट में क्या है, न्यू यूट्यूबर जब भी होता है ना, और ऐसे कई सारे यूट्यूबर जो सिर्फ वीडियोस को अपलोड करने के लिए यूट्यूब पर आते हैं, यानी कि कुछ देखना नहीं है उन्हें, टाइटल नहीं देखना, थंबनेल नहीं देखना, डिस्क्रिप्शन नहीं देखना, सिर्फ वीडियो को अपलोड करना है, तो ऐसे लोग क्या है सक्सेसफुल नहीं हो पाते। फिर वो अपने चैनल पर 600 वीडियो 700 वीडियो अपलोड कर देते हैं बिना कुछ टाइटल डिस्क्रिप्शन देखे, तो उनकी भी वीडियो ही अपलोड होती रह जाती है, व्यूज नहीं आते। लेकिन वहीं पर एक स्मार्ट बंदा जो अपने चैनल पर हार्डवर्क कर रहा है, स्मार्ट वर्क कर रहा है, वीडियोस को अपलोड कर रहा है, उसी के साथ टाइटल भी देख के डाल रहा है, कीवर्ड भी देख के डाल रहा है, डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट भी अच्छे से डाल रहा है और थंबनेल भी बढ़िया बना रहा है, ऐसे में उसकी चांदी हो जाएगी, उसके व्यूज आने स्टार्ट हो जाएंगे। बट एक्चुअल में बात क्या है, आप भी तो टाइटल डालते हो, आप भी तो डिस्क्रिप्शन डालते हो, आप भी तो टैग डालते हो, लेकिन आपके व्यूज नहीं आते, फंसे तो आप भी हुए हो ना इस मैटर में। तो इसी का तो सॉल्यूशन मैं बताने वाला हूं भाई इस वीडियो में। घबराओ मत, आपकी जो भी क्वेरी है सबका सॉल्यूशन, सबका आंसर इस वीडियो में आप लोगों को मिलने वाला है। क्योंकि मुझे मालूम है आप मेरे को जब से आपने देखना स्टार्ट किया, मैंने टाइटल डिस्क्रिप्शन ट्रिक वगैरह सब चीज आपको बताई है कैसे टाइटल डालना है ठीक है। देखो आपको करना क्या है, आपको तरीका फॉलो करना है, आपकी वीडियो वायरल होना स्टार्ट हो जाएगी। और मैं आप लोगों को एक चीज, देखो इसका कोई क्लियर आंसर नहीं है कि कितनी वीडियो अपलोड करने के बाद वीडियो वायरल होना शुरू होती है। 10 वीडियो अपलोड करोगे चैनल पर वायरल होना शुरू हो जाएगी, ट्रिक बता रहा हूं फॉलो कर लेना। 1 वीडियो 2 वीडियो अपलोड करोगे, चाहते हो कि शॉर्ट्स में 1-2 वीडियो के बाद ही मेरी के में जाने शुरू हो जाए, 1K 2K 3K आने लग जाएंगे, घबराओ मत, ट्रिक को अपनाओ। सबसे पहली बात है, सबसे पहली ट्रिक है, आप जब भी अपनी वीडियोस को अपलोड कर रहे हो, लॉन्ग वीडियोस वालों के लिए बता रहा हूं फिर शॉर्ट्स वालों के लिए बताऊंगा, पहले लॉन्ग वीडियो वालों के लिए, आप जब भी अपनी लॉन्ग वीडियोस को अपलोड कर रहे हो टाइटल वाली ट्रिक लगाओ। टाइटल में एक आपका कीवर्ड है, देखो आपकी वीडियो का एक मेन हाइलाइटेड कीवर्ड तो होगा ही होगा, कंफर्म होगा ही होगा। जैसे कि मैं सब्सक्राइबर कैसे बना रहा हूं, तो सब्सक्राइबर मेरा एक मेन हाइलाइटेड कीवर्ड है। कुकिंग वाले जैसे पनीर की सब्जी बनाना सिखा रहे हैं, तो पनीर जो है ना वो उनकी कीवर्ड, उनकी वीडियो का हाइलाइटेड कीवर्ड है। उस कीवर्ड को इतना ज्यादा अपने टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन में हाईलाइट कर दो कि YouTube के एल्गोरिथम भी मजबूर हो जाए उस कीवर्ड को, जितनी ऑडियंस YouTube पर सर्च कर रही है वहां तक उस कीवर्ड पर आपकी वीडियो पहुंच जाए। इतना काम कर लोगे, ये काम अगर न्यू चैनल वाला स्टार्ट कर देगा ना करना, तो उसकी वीडियोस को प्रमोट YouTube करना शुरू कर देगा और उसके व्यूज आने स्टार्ट हो जाएंगे। मेरी बात को अगर आपने डीपली समझा तो आप बहुत कुछ समझ गए होगे, लेकिन अगर हल्के में लगे तो कुछ नहीं समझ पाए होगे, मुझे मालूम है, गारंटी है आप नहीं समझ पाए होगे अगर आपने डीपली नहीं समझा तो। मेरे भाई मैंने कीवर्ड का बोला ना, वो कीवर्ड पर ही आप रैंक कर जाओगे। तो अब क्या होता है, देखो अब जैसे मैं व्यूज कैसे बढ़ा बनाता हूं, तो व्यूज जो है ना वो मेरा मेन हाइलाइटेड कीवर्ड है, जो कि मैंने वीडियो में भी बार बार रिपीट किया है, टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, तो उस कीवर्ड पर यूट्यूब मेरी वीडियो को रैंक करेगा। आपने देखा होगा कई सारे फैक्टर्स में बड़े बड़े यूट्यूबर्स की जहां पर वीडियो रैंक करती है, वहां छोटे छोटे यूट्यूबर्स की भी कुछ वीडियो रैंक कर जाती है। कैसे कर जाती है वो, वही इसीलिए करती है, उनकी वीडियोज छोटे छोटे यूट्यूबर्स होते हैं, छोटे चैनल वाले, कैसे रैंक कर जाती है, वो उस मेन हाइलाइटेड कीवर्ड को इतना ज्यादा हाईलाइट कर देते हैं कि यूट्यूब को फिर मजबूरन उस वीडियो को उनके बड़े यूट्यूबर के बीच में लगाना पड़ता है, वीडियोस को रैंक करवाना पड़ता है, वीडियोस पर व्यूज देने पड़ते हैं। न्यू चैनल कब ग्रो होगा, कितनी वीडियो अपलोड करने के बाद वीडियो वायरल होना शुरू होती है, इसका जवाब आपको मिल गया होगा। कितनी वीडियो वायरल होती है कितनी वीडियो अपलोड करने के बाद, इसका कोई एक्चुअल रीजन नहीं है, एक्चुअल मतलब नंबर नहीं दे सकता कि मैं 20 वीडियो अपलोड करो उसके बाद होंगी, 30 वीडियो अपलोड करो, नहीं भाई, आप शुरुआती दौर से ही वायरल करवा सकते हो। बस बात यह है कि आप कितना ज्यादा उसमें दिमाग लगा रहे हो, कितनी अच्छी तरीके से वीडियोस का ऑप्टिमाइजेशन स्कोर चेकआउट कर रहे हो, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया। अब बात करते हैं शॉर्ट्स वालों की, शॉर्ट्स वाले कैसे अपनी शॉर्ट्स को वायरल करवा सकते हैं भाई, कितनी वीडियो उनको अपलोड करनी पड़ेगी जिससे उनकी शॉर्ट वीडियो वायरल होना स्टार्ट हो जाए। मेरे भाई शॉर्ट्स वालों का
इतना अच्छा आज के डेट में पैरामीटर हो चुका है लॉन्ग वीडियो, जहां वो 10-12 के बाद वायरल होना शुरू हो जाते हैं कुछ लोगों की जो ट्रिक लगाते हैं। लेकिन शॉर्ट्स का क्या है, पहली शॉर्ट्स भाई के में जाने लग जाएगी आपने अगर ट्रिक लगा ली। शॉर्ट्स को वायरल करने के बहुत सारे नियम है, शॉर्ट्स का हुक क्रिएट कर दो, सस्पेंस वाली लाइन एड ऑन कर दो, तीसरा एंगेजमेंट ले आओ, चौथा लाइक का रेशियो ज्यादा ले आओ तो वायरल है, पांचवा कमेंट का रेशियो ज्यादा ले आओ तो वायरल हो जाएगी, छठवां वॉच टाइम ले आओ तो वायरल हो जाएगी, सातवां आप अगर एक क्या करते हो हुक क्रिएट करते हो उसके साथ अगर आपने यूट्यूब चार्ट्स का फायदा उठा लिया तो वायरल हो जाएगी। उसके अलावा और भी ट्रिक्स हैं, अपलोडिंग की ट्रिक है, आपने प्रॉपर टाइमिंग पे अपलोड करी, अपना एज फैक्टर देखा कि आपकी ऑडियंस का एज फैक्टर क्या है और आपकी वीडियो का एज फैक्टर क्या है, आपने वो समझ लिया तो आपकी वायरल हो जाएगी। यानी कि शॉर्ट्स को, और आपने किसी बड़े यूट्यूबर को मेंशन कर दिया, बार बार मेंशन कर रहे हो, उसी से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करिए, उसको मेंशन कर दिया तो वायरल हो जाएगी। यानी कि ओवरऑल शॉर्ट्स को वायरल करने का एक मेथड नहीं है, शॉर्ट्स को वायरल करने के अनेकों मेथड है, आप वायरल कर सकते हो। तो ये भी मैं यहां पर ये कहना चाहूंगा कि आप लोग अगर पूछोगे कि भाई शॉर्ट्स में कितनी वीडियो अपलोड करने के बाद वायरल होना शुरू होती है, तो कुछ नहीं कहा जा सकता, आप पहली वीडियो से वायरल करवा सकते हो। और जो हार्ड वर्क करेगा, यानी कि जहां भीड़ चली जा रही है वो उसी को कॉपी कराकर लगा हुआ है, तो अपने चैनल पर 100-200 शॉर्ट्स भी अपलोड कर देगा ना, तब भी उसकी वायरल नहीं होगी। बात यह है आप कितना अलग कर रहे हो ऑडियंस के लिए, क्या वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हो। अगर मैं आज आपको वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूं तभी आप मुझे देख रहे हो, तो मेन बात यह है कि आप कितना वैल्यूएबल कंटेंट अपनी ऑडियंस को प्रोवाइड कर पा रहे हो। मेन चीज, मेन इशू यह है, लोग वैल्यूएबल प्रोवाइड ही नहीं कर पाते, जो और के टॉपिक्स हैं वही कॉपी करके कॉपी पेस्ट करेंगे, नहीं चलेंगे। ऑडियंस जो चाह रही है कैसे निकाल सकते हो, फैक्टर ग्राफ आपका भाई खुला हुआ है सारा का सारा वाइट स्टूडियो में, बनाओ वो। अब कुछ लोग कहेंगे भाई शुरुआती दौर है, नया चलना है, नहीं है हमारे पास ग्राफ, हम क्या करें, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आपकी कैटेगरी के जो भी बड़ा यूट्यूबर है उसको खंगाल लो, क्या बना रहा है, कब क्या बना रहा है, कैसा बना रहा है, कौन सा टॉपिक बना रहा है, कौन सा पॉपुलर टॉपिक है उसका, और किस टॉपिक पर इनिशियल बूस्ट सबसे ज्यादा आ रहा है, बनाओ वो टॉपिक को, कैसे व्यूज नहीं आएंगे, व्यूज सबके आते हैं। बात यह है काफी सारे यूट्यूबर फेल क्यों हो जाते हैं, क्योंकि गाइस वो ट्रिक नहीं लगाते, यानी कि वो हार्ड वर्क करते चले जाते हैं, स्मार्ट वर्क नहीं करते। 2024 है, पूरा का पूरा स्मार्ट वर्क पे चल रहा है यूट्यूब पर, 2024 में लोग स्मार्ट वर्क करके आगे बढ़ रहे हैं। फैक्ट वाले 100 वीडियो अपलोड करी, 100 वीडियो बहुत बोलती भाई, 20 वीडियो अपलोड करी 100K कर ले गए, 30 वीडियो अपलोड करी 1 मिलियन हो गए, कैसे कर ले रहे हैं, स्मार्ट वर्क, वो देख रहे हैं जो चीज चल रही है हम वही बनाएंगे तो क्यों नहीं चलेगा भाई। और ये बात हकीकत है, जब जब जो चीज चलती है वो अगर आप ऑन टाइम बना लेते हो तो आपकी चलेगी, अगर आप ऑफ टाइम बना रहे हो, समय चला गया किसी ट्रेंड का, बाद में बना रहे हो, चलेगा नहीं चलेगा, क्योंकि उस ट्रेंड पे वीडियोस ऑलरेडी ऑडियंस देख चुकी है, फिर बाद में देखने का क्या फायदा ऑडियंस का भाई, रिपीट थोड़ी ना देखेगी, बात ये होती है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। इस चीज का मेन क्लियरेंस, मेन जवाब आपको मिल गया होगा कि कितनी वीडियो अपलोड करने के बाद वीडियो वायरल होना शुरू होती है। तरीके आजमाओ, ट्रिक आजमाओ, वीडियो पहले ही दिन से वायरल होना शुरू हो जाएगी। घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है कि मैं क्या लगाऊं, मैं क्या अपलोड करूं। सिर्फ यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करने मत आओ कि भाई कुछ नहीं देखना मेरे को, ना टाइटल देखना, डिस्क्रिप्शन देखना, कुछ नहीं देखना, बस वीडियो को अपलोड करना है, ये थिंकिंग लेके मत आना यूट्यूब पर कभी भी। भाई अगर YouTube ने टाइटल, डिस्क्रिप्शन, थंबनेल, डिस्क्रिप्शन हो गया, टैग हो गया, ये डालने के लिए ऑप्शन दिए ना, तो कुछ सोच समझ के दिए हैं। इन्हीं के माध्यम से आप ऑडियंस तक पहुंच सकते हो, इन्हीं पर अगर भरोसा नहीं करोगे तो कैसे ऑडियंस तक पहुंचोगे। आई होप आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, सारी चीजें अच्छे समझ में आ गई होंगी। तो ये थी आज की कंप्लीट वीडियो, कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करिएगा। मिलता हूं ऐसे किसी अगले धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।